उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करना है साथ के साथ ये जो अप्रोचेज हम पढ़ेंगे ये हमें याद तो रखनी है क्योंकि इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं कि इन सॉर्टिंग टेक्निक्स के बीच में डिफरेंसेस बताइए या बताइए कि बबल सॉर्ट में क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है बट इसके अलावा ये इनका जो थोड़ा सा प्रोसेस रहता है ये कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक्स हैं किसी और प्रॉब्लम में भी काम आ जाती हैं जो शायद सॉर्टिंग की प्रॉब्लम ना हो इसीलिए इनको समझना इंपॉर्टेंट है अब सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग की जो टेक्निक होती है वो काफ़ी जगह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है जैसे अगर अगर हम हम का लें तो वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं हमें कुछ ऑर्डर करना होता है तो सबसे पहले मान हम लीजिए हमें सबसे सस्ती चीज खरीदनी है तो ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है कि सिलेक्ट फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट तो उस तरीके से लोएस्ट टू हाइएस्ट की रेंज में सिलेक्ट हो जाते हैं या फिर अगर कभी हम फ्लाइट टिकट्स बुक करवाने जाते हैं तो वहां पर भी लोएस्ट से हाइएस्ट की हम रेंज में सिलेक्ट कर सकते हैं कभी कभी वैसे ही हाइएस्ट से लोएस्ट की में हमें चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं वेबसाइट्स पर तो ये सारी की सारी प्रैक्टिकल चीजें जो किसी चीज को सॉर्ट करके अरेंज करके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पॉसिबल है वो सारी पॉसिबल है सॉर्टिंग की हेल्प से सॉर्टिंग को हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं अब जावा के अंदर हम यहां पर बेसिक सॉर्टिंग सीखेंगे जैसे जावा के अंदर अगर हम एरे का एग्जाम्पल लें तो उसके लिए ऑलरेडी एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिससे हम एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं बट हम उस एलिमेंट के यूज किए बिना सॉर्टिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तीन टेक्निक्स के साथ ये पहली वीडियो होने वाली है सॉर्टिंग की इसके अलावा रिकर्जन में बैक ट्रैकिंग को यूज़ करके भी हम सॉर्टिंग पढ़ रहे होंगे अब शुरुआत करते हैं बबल सॉर्ट के साथ जो पहली बेसिक टेक्निक है सॉर्टिंग की अब बबल की एक बात करें तो बबल पानी के बबल्स में गैस भरी होती है तो पानी के अंदर जो भी बबल्स होते हैं ना वो धीरे धीरे सरफेस पे राइज करके ऊपर उठ के आ जाते हैं तो इसी फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए बबल सॉर्ट का नाम बबल सॉर्ट रखा गया है बबल सॉर्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को उठाते हैं और जो सबसे भारी एलिमेंट होता है उसको एंड में पुश कर देते हैं उसके बाद उससे जो नेक्स्ट भारी एलिमेंट होता है उसको सेकेंड लास्ट पे पुश कर देते हैं फिर जो थर्ड लास्ट पे एंड भारी बबल होता है उसको थर्ड लास्ट पे पुश कर देते हैं तो इस तरीके से हम भारी भारी एलिमेंट्स को एरे के पीछे की तरफ पुश करते जाते हैं और हमें एक असेंडिंग ऑर्डर वाला एरे मिल जाता है

ये सारे एलिमेंट्स एक एरे के अंदर हैं जिसमें सबसे पहले seven, फिर eight, फिर three, फिर one, फिर two. तो इस तरीके का हम एक एरे गिवन है अब बबल सॉट क्या करता है बबल सॉट एन माइनस वन टाइम लूप रन करता है उसमें क्या करता है पहली बार में जब लूप रन किया मतलब फर्स्ट टाइम तो उसमें सबसे भारी एलिमेंट उठाया और उसको लास्ट में रख दिया

ये. अब पहली बार में हम क्या करेंगे सबसे भारी एलिमेंट उठाएंगे और उसको एंड में जाकर प्लेस कर देंगे और ये सबसे भारी एलिमेंट उठाने का प्रोसेस क्या होगा हम हर एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे यानी इस 7 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे एट को थ्री के साथ कंपेयर करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे इसी तरीके से सबसे भारी जो होता रहेगा मतलब यहां पर सेवन है यहां पर एट है यहां पर वन है या थ्री या टू जो भी है तो सेवन एट को कंपेयर करेंगे जो भारी होगा उसे एक पीछे कर देंगे फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे एक पीछे कर देंगे तो इस तरीके से हमारा जो सॉर्टिंग है वो चलता रहेगा तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे सेवन और एट को अब सेवन क्या एट से बड़ा है नहीं तो इन दोनों की पोजिशन को चेंज नहीं करना पहले सेवन आएगा फिर एट आएगा अब कंपेयर करेंगे एट और थ्री को कि क्या एट थ्री से बड़ा है हाँ बड़ा है पर बड़े एलिमेंट को तो बाद में आना चाहिए इसीलिए यहां पर एट को काट के कर देंगे थ्री और एट को प्लेस कर देंगे थ्री के बाद अब कंपेयर करेंगे एट और वन को तो क्या एट वन से बड़ा है हाँ एट वन से बड़ा है तो यहां पर एट को काट के कर देंगे वन और एट को प्लेस कर देंगे वन के बाद अब कंपेयर करेंगे एट को टू के साथ तो क्या एट टू से बड़ा है हाँ बड़ा है तो एट को भी यहां से हटाकर यहां पर हम डाल देंगे टू और एट को कर देंगे एंड में तो इस तरीके से सबको हमने पेयर वाइज कंपेयर किया और इस पेयर वाइज कंपेरिजन का जो रिजल्ट आएगा वो लॉजिकली ये आएगा कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो चला जाएगा हमारा एंड में ऐसा लॉजिकली क्यों हुआ क्योंकि वो हर एलिमेंट जो है वो कंपेयर हो रहा है तो लार्जेस्ट एलिमेंट जहां पर भी होगा वो सबके साथ कंपेयर होते होते एक, एक 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 पीछे चला जाएगा और इस तरीके से एक एक पीछे जाएगा तो लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच जाएगा हमारा एंड में तो कुछ इस तरीके से हमारा जो फाइनल एर बनकर आएगा वो होगा सेवन थ्री वन टू एट अब एक और लूप चलाते हैं ये हमने चलाया हमारा फर्स्ट लूप सेकेंड लूप जब चलाएंगे तो उसमें क्या होगा इसमें अब हम क्या कर सकते हैं लास्ट वाला एलिमेंट इग्नोर कर सकते हैं यानी लास्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे ही नहीं क्योंकि हमें पता है कि लास्ट वाला एलिमेंट ऑलरेडी लार्जेस्ट एलिमेंट वहां पर प्लेस हो चुका है बबल अप हो चुका है तो अब जरूरत नहीं है तो अब दोबारा कंपेरिजन शुरू करेंगे सेवन को कंपेयर करेंगे थ्री के साथ तो सेवन थ्री से बड़ा हो गया तो थ्री आगे आ जाएगा सेवन पीछे आ जाएगा अब सेवन को कंपेयर करेंगे वन के साथ तो सेवन बड़ा हो गया तो वन आगे आ जाएगा और सेवन पीछे आ जाएगा अब को कंपेयर करेंगे के साथ, तो टू से तो आ आ और सेवन पीछे हो जाएगा अब को एट के साथ कंपेयर नहीं करना क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑब्वियसली सबसे बड़ा है तो यहां पर एट ऑलरेडी आ गया तो फाइनल एरे जो हमारे पास आया दैट इज थ्री वन टू सेवन और एट अब तीसरा राउंड ऑफ कंपैरिजन शुरू करते हैं तीसरे राउंड ऑफ कंपैरिजन में थ्री को कंपेयर करेंगे हम वन के साथ तो सबसे पहले आ गया वन उसके बाद आ गया थ्री अब थ्री को कंपेयर करेंगे टू के साथ तो थ्री टू में से टू छोटा है थ्री बड़ा है तो टू आगे आ जाएगा तो टू हमारा आगे आ जाएगा थ्री पीछे चला जाएगा अब थ्री को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है सेवन के साथ क्योंकि एट तो ऑलरेडी सॉर्टेड था पता है कि सेकंड लास्ट एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया होगा तो सेवन के साथ कंपेरिजन करेंगे ही नहीं अब ऑब्वियसली जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, वो वैसे के वैसे प्लेस हो जाएंगे और अब एरे के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे जहां यहां पर आएगा वन फिर आएगा टू फिर आएगा 3 फिर आएगा 7 फिर आएगा 8 अब हमें पता है कि लास्ट के जो तीन एलिमेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं अब जो फोर्थ लूप चलेगा यानी फोर्थ लूप के अंदर जिसमें हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे उसमें लास्ट वाले तीन एलिमेंट्स को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे तो फोर्थ लूप के अंदर क्या होगा 1 का कंपैरिजन होगा 2 के साथ अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो सबसे पहले आ जाएगा 1 फिर आ जाएगा 2 अब को थ्री के साथ कंपेयर नहीं करना क्योंकि लास्ट लूप में हमें पता चल गया था कि थ्री अपनी सही पोजिशन पर है तो वन टू थ्री सेवन एट तो इस तरीके से हमारा जो एरे आ गया है वो हो गया है वन टू थ्री सेवन एट हमने चार किए, यानी कर, -कर के, हमने सारे एरे को असेंडिंग में में कर कर दिया। अब इसी सेम चीज़ में की को को उल्टा देते, यानी अभी हमने क्या किया? बड़े वाले, वाले को पीछे पुश कर दिया अगर छोटे वाला एलिमेंट होता तो उसको पीछे पुश कर देते अगर ये कंडीशन रख लेते तो हमारा एरे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में आ जाता तो बस इतना सा डिफरेंस रहता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में अभी हमने एन माइनस

एक कमेंट लिखेंगे बिकॉज कमेंट्स लिखना कोड में बहुत जरूरी है ताकि दूसरे लोग जब हमारा कोड पढ़े तो उनको समझ में आए कि कौन सा पार्ट क्या करता है अब बबल सॉर्ट में सबसे पहले आता है एक आउटर लूप ये आउटर लूप क्या करेगा एन माइनस वन आइटरेशन को काउंट करेगा

for इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन हमारे एरे की जो लेंथ है वो माइनस वन एरे की लेंथ हमारा एन, और हमें जाना है एन माइनस वन टाइम्स अब क्या करेंगे अब हर बार क्या होता है एक पूरे के पूरे एरे पर लूप चलेगा पूरे के पूरे एरे पर नहीं लास्ट वाले जो सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उनको हम हटा देंगे पहली बार जब लूप चलेगा तो कोई एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है दूसरी बार लूप चलेगा तो एक एलिमेंट सॉर्टेड है तीसरी बार लूप चलेगा तो दो एलिमेंट सॉर्टेड हैं, चौथी बार लूप चलेगा तो तीन एलिमेंट सॉर्टेड हैं इस तरीके से हम सॉर्टेड एलिमेंट्स को हटाकर बाकी का जितने भी एरे बचेगा उस पर लूप चला रहे हैं तो फॉर इंट दूसरा वेरिएबल ले, ले लेते हैं जे इज इक्वल टू जीरो से लेकर जे लेस देन एरे डॉट लेंथ डॉट आई माइनस वन जे प्लस प्लस क्या किया इनर लूप के अंदर जे को जीरो से तो शुरू किया यानी इनर लूप जिसमें हम सॉर्ट करने वाले हैं उसको जीरो से शुरू किया बस यहां पर एरे डॉट लेंथ एन माइनस वन पहले था उसमें माइनस आई भी कर दिया माइनस आई क्यों क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो आई जीरो है मतलब कोई एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है सेकंड टाइम लूप चल रहा है तो आई वन है और हमारा एक एलिमेंट सॉर्टेड है तो जितने भी एलिमेंट हमें हटाने हैं वो आई के इक्वल है इसलिए माइनस आई कर दिया अब क्या करेंगे अब अपनी कंडीशन चेक करेंगे अगर हमारा जो इंडेक्स आई पर एलिमेंट है उसकी वैल्यू लेस हो जाती है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है उसके अगले वाले इंडेक्स पर एलिमेंट से तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में हमें करना है स्वॉप स्वॉप इसलिए करना है स्वॉप करना यानी एक एलिमेंट को लेना दूसरे एलिमेंट को लेना और उनकी जो वैल्यूज है वो बदल देना तो इस तरीके से भारी एलिमेंट पीछे चला जाएगा हल्का एलिमेंट आगे आ जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे एरे ऑफ आई की वैल्यू को अब ये एरे ऑफ आई को हमने कहीं स्टोर करा लिया तो एरे ऑफ आई को खाली कर दें उसके अंदर कुछ और कर दे, अब फर्क नहीं पड़ता तो एरे ऑफ आई के अंदर हम डाल देंगे एरे ऑफ आई प्लस वन अब एरे ऑफ आई प्लस वन तो ऑलरेडी एरे ऑफ आई में चला गया अब एरे ऑफ आई प्लस वन पर खाली है कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं फर्क नहीं पड़ता तो एरे ऑफ आई प्लस वन में हम डाल देंगे हमारी टेम्पररी वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू तो इस तरीके से सबसे बेसिक तरीके से हम स्वॉपिंग करते हैं यानी दो एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से जावा के अंदर अब स्वॉपिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं जो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं हम बिट्स को यूज कर सकते हैं स्वॉप करने के लिए विच इज वेरी इंटरेस्टिंग तो वो चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके तो यहां पर हमने स्वॉप कर लिया है इस तरीके से हमने आउटर लूप चलाया है इन माइनस वन टाइम्स फिर इनर लूप चलाया और फिर स्वॉप कर दिया कंपेयर करके एंड लास्ट में क्या करेंगे अपने एरे को प्रिंट कर लेंगे तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट एरे नाम से जिसके अंदर हम एक इंटीजर एरे ले लेंगे इंटीजर एरे को प्रिंट कैसे करना है एक लूप लगाकर आई इज इक्वल टू जीरो से यहां पर प्रिंट कर लेंगे एलिमेंट्स को इसको हमने सेव कर दिया और मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे अपना प्रिंट एरे फंक्शन जिसके अंदर पास कर दिया हमने एरे अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हमने ये कर दिया कि हमने आय को ले लिया इंडेक्स जबकि हमें क्या करना है जे को इंडेक्स लेना है आय बस हमारा काउंटर है एक्चुअल एरे के अंदर जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स उनका जे की पोजिशन से डिफाइन होगा तो हर जगह लिख देंगे यहाँ पर जे को और यहाँ से इसे हटा देते हैं और कर देते हैं सेव अब रन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो एक सॉर्टेड एरे है यानी सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट वन फिर टू थ्री सेवन और एट तो इस तरीके से हम बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम वर्स्ट केस यानी बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे आउटर लूप कितनी बार रन हो रहा है आउटर लूप रन हो रहा है हमारा एन माइनस वन टाइम्स इनर लूप कितनी बार रन हो रहा है पहली बार में रन होगा n टाइम्स दूसरी बार में n माइनस वन टाइम्स n माइनस टू टाइम्स इसी तरीके से चलता जाएगा लेकिन ए सिंप्टोटिक नोटेशन यानी बिग ओ में हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पर जब देखें तो पूरा का पूरा जो लूप स्ट्रक्चर है आउटर प्लस इनर मिलाकर ये पहली बार में एन लाइन्स रन करेगा दूसरी बार में एन माइनस टू तीसरी बार में एन माइनस थ्री चौथी बार में एन माइनस फोर तो ये अगर हम इसका सम लेके टोटल लाइन्स कितनी बार रन हुई तो वो आता है एन स्क्वायर टाइम्स तो यहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी वो होगी हमारी बिग ओ ऑफ एन टू दार्ट टू यानी एन स्क्वायर क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप एन स्क्वायेर टाइम्स रन करेगा अब जैसे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद नहीं आ रही है पीछे वाली एक वीडियो थी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जिसको हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए क्योंकि अब हम इंटरमीडिएट जावा के अंदर घुस गए हैं अब हम बेसिक जावा नहीं करे हम बेसिक जावा से ऊपर उठ चुके हैं उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को अब हम यूज कर रहे हैं तो यही हम इंटरमीडिएट जावा कर रहे हैं एक दो वीडियोस के बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स करना शुरू कर देंगे जावा के अंदर जिसमें बस पुरानी चीजों को री इंप्लीमेंट कर रहे होंगे थोड़ी सी नई चीजें सीख रहे होंगे बट एडवास लेवल की प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे यहां पर अब अगर एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सॉर्टिंग के लिए ये एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्योंकि सॉर्टिंग इससे भी कम टाइम में होती है एंड लॉग इन के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो सॉर्ट करने के लिए यूज होती हैं जो सबसे ऑप्टिमाइज टेक्निक्स होती हैं तो इसीलिए एन स्क्वायर एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है आगे जाकर अगर हम किसी कोडिंग टेस्ट में बैठ रहे हैं कम्पेटेटिव कोडिंग में अगर सॉर्टिंग का कोड लिख रहे हैं तो हम कभी भी बबल सॉर्ट को सिलेक्शन सॉर्ट को इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ नहीं करेंगे लेकिन इन शॉर्ट्स को सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है क्योंकि अगर हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए टेक्निक्स और साथ के साथ जब भी हम कोई नई टेक्निक नया प्रोसेस सीखते हैं तो लॉजिकली हम बेटर बनते हैं हम लॉजिक ज़्यादा इंप्लीमेंट करना सीख पाते हैं आज हमें लॉजिक समझ में आया बबल शॉर्ट पढ़ के कि दो पेयर्स को ऐसे अगर सॉप करते जाएंगे तो लार्जेस्ट जो एलिमेंट होगा लार्जेस्ट बबल वो एंड में पुश हो जाएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इस छोटी सी टेक्निक को हम सॉर्टिंग के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर लिया है कोड हमने लिख लिया है नेक्स्ट जिस सॉर्ट की हम बात करेंगे वो है सिलेक्शन सॉर्ट अब सिलेक्शन सॉर्ट भी बबल सॉर्ट जैसा सा ही है बस थोड़ा सा अलग है जैसे बबल सॉर्ट के अंदर हम लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे पीछे पुश कर देते थे सिलेक्शन सॉर्ट में हम सबसे छोटा एलिमेंट निकालते हैं और उसे सबसे आगे डाल देते हैं अब बबल सॉर्ट के अंदर ये भी था कि हम पैर वाइज हर बार स्वॉप ही करते जा रहे थे स्वॉप ही करते जा रहे थे लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में हम एक लूप रन करते हैं और कोई स्वॉपिंग नहीं करते हम लूप रन करते हैं कंपेयर करते हैं देखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट क्या है और और एंड में में बस एक 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 स्वॉप 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 करते हैं वन वन पर यानी या लूप सबसे छोटा एलिमेंट निकाला और कर दिया फिर उससे अगला एलिमेंट निकाला और स्वॉप कर दिया फिर उससे अगला एलिमेंट निकाला और स्वॉप कर दिया इस तरीके से अननेसेसरी स्वॉपिंग नहीं चलेगी एक आइटरेशन में एक ही स्वॉपिंग चलेगी अब इसको करना कैसे देख लेते हैं मान लेते हैं सबसे पहले लूप में कि हमारा जो सेवन है यानी जीरो इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ये हमने एज्यूम कर दिया तो स्मॉलेस्ट का जो इंडेक्स हमने ले लिया दैट इज अब उसके अगले एलिमेंट्स से कंपैरिजन हम शुरू करेंगे आई प्लस वन से स्मॉलेस्ट प्लस वन से तो i है हमारा जीरो यहां पर एट से कंपैरिजन शुरू करते हैं क्या एट हमारे स्मॉलेस्ट वाले एलिमेंट से यानी सेवन से छोटा है नहीं है छोटा तो इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे अब नेक्स्ट है कि क्या थ्री हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी सेवन से छोटा है तो हां थ्री छोटा है इस केस में क्या करेंगे थ्री को स्मॉलेस्ट बना देंगे तो अब स्मॉलेस्ट का जो हमारे पास इंडेक्स होगा वो बन जाएगा टू जहां पर क्या स्टोर्ड है एलिमेंट नंबर थ्री तो इंडेक्सेस है जीरो वन टू थ्री एंड फोर उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी थ्री को कंपेयर करेंगे वन के साथ तो क्या वन थ्री से छोटा है हाँ तो उस केस में वन स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन जाएगा तो वन का हमने इंडेक्स लिख लिया विच इज थ्री जहां पर स्टोर्ड है वन अब वन को हम कंपेयर करेंगे टू के साथ तो टू क्या वन से छोटा है नहीं तो इस केस में स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ही रहेगा और कुछ चेंज नहीं आएगा वैल्यू में अब एंड में क्या करेंगे ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने निकाला इसको स्वॉप कर देंगे फर्स्ट पोजीशन के साथ फर्स्ट पोजीशन क्या थी हमारी आई एथ पोजिशन यानी जीरो पोजिशन सेवन तो यहां पर जो हमारा फाइनल एरे निकल कर आएगा उसमें सेवन को हमने वन से स्वॉप कर दिया तो सबसे पहले आ गया वन फिर आया एट फिर आया थ्री अब वन की जगह आ गया सेवन और आ गया टू तो यहां पर क्या हुआ ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों एलिमेंट्स आपस में सॉफ हो गए तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने निकाला एरे के अंदर से और उसको पहली पोजीशन पर जाकर पटक दिया अब सेकंड लूप के अंदर क्या करेंगे सेकंड लूप के अंदर शुरू किया था I से अब I पर तो ऑलरेडी हमने एलिमेंट प्लेस कर दिया यानी जो सबसे छोटा था एरे में उसको सेलेक्ट किया उसको आई इज इकल टू जीरो पर प्लेस कर दिया अब शुरू करेंगे आई इज इकल टू वन से यानी बाकी के एलिमेंट्स में जो सबसे छोटी पोजिशन है तो यहां पर भी वही करेंगे स्मॉलेस्ट को हम ले लेंगे वन जहाँ पर क्या है हमारा एलिमेंट एट अब हम इस न्यू एरे को एनालाइज करने वाले हैं तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे एट को थ्री के साथ थ्री तो एट से छोटा है इसलिए आगे आ जाएगा यानी स्मॉलेस्ट बन जाएगा तो अब हमारा स्मॉलेस्ट आ गया एट पोजिशन नंबर टू जो की है थ्री अब स्मॉलेस्ट को कंपेयर करेंगे सेवन के साथ तो सेवन ऑब्वियसली बड़ा है थ्री से तो कुछ चेंज नहीं आएगा अब थ्री को कंपेयर करेंगे टू के साथ अब टू छोटा है थ्री से तो टू क्या करेगा आगे आ जाएगा टू का इंडेक्स है हमारे पास जीरो फोर, इंडेक्स यानी नंबर टू आगे आ गया, गया तो इस तरीके से क्या हुआ स्मॉलेस्ट हमारा बन गया टू अब इस स्मॉलेस्ट को अपनी सेकंड पोजीशन के साथ स्वॉप कर देंगे तो हमारा जो नया एरिया आएगा उसके अंदर सबसे पहले तो आएगा वन उसके बाद स्वॉप कर देंगे तो एट और टू को स्वॉप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू अब आएगा थ्री अब आएगा सेवन और टू को हमने एट के साथ स्वॉप किया था तो लास्ट में चला गया एट तो क्या हुआ ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ अब स्वॉप हो गया तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने निकाल कर स्वॉप कर दिया अब थर्ड आइटरेशन में क्या होगा इसे हम रब कर लेते हैं थर्ड आइटरेशन के अंदर सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट था वो बनेगा हमारा i इज इक्वल टू टू यानी हमारा एलिमेंट नंबर थ्री तो ये है टू जिसके अंदर स्टोर्ड है थ्री थ्री को हम कंपेयर करेंगे सेवन के साथ तो सेवन थ्री से बड़ा है तो आगे नहीं आ सकता उसके बाद थ्री को कंपेयर करेंगे एट के साथ अब एट भी थ्री से बड़ा है तो आगे नहीं आ सकता तो इस तरीके से और कोई स्वॉपिंग इस बार नहीं होगी तो एंड में अगर स्वॉपिंग का हमने कोड भी लिखा होगा तो क्या होगा जो टू है वो अपने आप में ही स्वॉप हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट भी टू है हमारा आई भी टू था तो दोनों आपस में सॉप हो जाएंगे ये चीज हमें तब समझ आएगी जब हम एक बार कोड लिख लेंगे तो फोर्थ आइटरेशन में क्या होगा अब स्मॉलेस्ट जो बनेगा स्मॉलेस्ट बनेगा हमारा इंडेक्स थ्री जिसमें है सेवन अब सेवन को हम कंपेयर करने वाले हैं आगे वाले एलिमेंट्स यानी एट के साथ क्योंकि से पहले वाले तो सब असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस हो गए तो सेवन और एट कंपेयर होंगे तो ऑब्वियसली एट तो कोई स्वॉपिंग नहीं हो पाएगी कोई हम स्मॉलेस्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे तो यहां पर भी कोई स्वॉपिंग नहीं फिफ्थ में बच जाता है हमारा सिर्फ एलिमेंट नंबर एट यानी लास्ट एलिमेंट एट इंडेक्स इज इक्वल टू फोर तो यहां पर भी कोई स्वॉपिंग पॉसिबल नहीं होगी कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेंज नहीं होगा एंड इस तरीके से हमारा जो एरे है वो फाइनली सॉर्टेड बन गया एंड एट अब इस चीज का भी हम कोड लिख कर देखते हैं कोड समझते हैं कि क्या होगा अपने कोड के अंदर अब लिखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट जिसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम सिलेक्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले आएगा हमारा आउटर लूप आउटर लूप क्या करेगा एन माइनस वन टाइम रन करेगा फॉर इंट आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस वन आई प्लस प्लस अब एक स्मॉलेस्ट इंडेक्स बना लेते हैं जिसमें हम स्मॉलेट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कर लेंगे यानी इंट इज इक्वल टू और अब एक लूप लूप रन करेंगे loop के अंदर क्या करेंगे लूप शुरू होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसको पिक किया है यानी एलिमेंट उसके अगले वाले एलिमेंट से क्यों क्योंकि अब उससे पहले वाले जो है वो तो या तो स्मॉलेस्ट तरीके से सॉर्टेड होंगे अब उसके आगे वाले एलिमेंट से हमें कंपेयर करना है उस नंबर को जे इज इक्वल टू आई प्लस वन से शुरू करेंगे जे कहां तक जाएगा जे जाएगा हमारा एरे डॉट लेंथ तक एंड जे प्लस प्लस तो लास्ट टाइम यानी बबल सॉर्ट के टाइम पे क्या हुआ था ये जो वैल्यू थी ये डिक्रीज होते जा रही थी लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में हमारी जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है तो दोनों में लॉजिक एक तरीके से सेम है कि पहले बबल सॉर्ट में हम लास्ट में भारी एलिमेंट्स भर रहे थे तो एरे जिसको हमें सॉर्ट करना था वो उसकी लेंथ कम हो रही थी यहाँ पर हम शुरुआत में स्मॉलेस्ट एलिमेंट भर रहे हैं तो यहां पर भी जिस एरे को हमें सॉर्ट करना है उसकी लेंथ कम हो रही है पर वो सामने से कम हो रही है पहले पीछे से कम हो रही थी अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चेक करेंगे कि अगर हमारा एरे ऑफ स्मॉलेस्ट किसी अगले एलिमेंट से ग्रेटर हो जाता है यानी एरे ऑफ जे से ग्रेटर हो जाता है तो उस केस में हम उस जे को स्मॉलेस्ट बना देंगे एंड में क्या करेंगे स्वाप कर देंगे आई को अपने स्मॉलेस्ट के साथ यानी शुरुआत वाला जो एलिमेंट था वहां पर लाकर प्लेस कर देंगे अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को तो स्वाप करने के लिए टेम्प्रेरी हमने वेरिएबल बना लिया जिसमें स्टोर कर लिया एरे ऑफ स्मॉलेस्ट को अब एरे ऑफ स्मॉलेस्ट में हमने डाल दिया है अपना एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई यानी शुरुआत वाली जो पोजिशन थी वहां पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया जो कि स्टोर्ड है अब में तो इस कोड को भी रन करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं हमारा जो आउटपुट आया है इज आयाटेड एरे वन टू थ्री सेवन एंड एट अब ये सॉर्टेड एरे इसलिए है क्योंकि हमने सिलेक्शन सॉर्ट से इसको सॉर्ट किया है स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को हम पिक करते गए और उनको आगे हमने प्लेस कर दिया की हेल्प से अब इसकी भी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो आउटर लूप हमारा चल रहा है हर सिचुएशन में एन टाइम्स अगर मोटा मोटी देखा जाए तो और इनर लूप भी एन टाइम्स चल रहा है बट यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्टिंग में मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ कि कितनी बार एक लूप में कितनी बार रन किया तो फर्स्ट टाइम जो इनर लूप है वो कितनी बार रन किया होगा वो रन किया होगा एन माइनस वन टाइम्स सेकेंड टाइम में एन माइनस टू टाइम्स थर्ड टाइम में एन माइनस थ्री टाइम और इसी तरीके से इनका जब हम सम लेंगे एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री तो ये एक ए पी सीरीज बन जाती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है वन का और जिसका सम निकालते हैं जब एन इन टू वन प्लस वन बाई टू करके जो मैथ्स में हम छोटा सा फॉर्मूला सीखते थे नाइन टेंथ अलेवन ट्वेल्थ में उससे निकल कर आता है एन स्क्वायर इसीलिए मैथ्स में अगर ए पी जी पी वाले जो प्रोग्रेशन है उनका थोड़ा सा हम रिविजन कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तो कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है हमें फायदा ही हो रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में तो यहाँ से हमने ये बात निकाली कि यहाँ पर भी सिलेक्शन शॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर मतलब ये भी एक ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम नहीं है सॉर्टिंग के लिए पर इंपॉर्टेंट है इसे जानना और याद करना अब तीसरी जो सॉर्टिंग टेक्निक है फाइनल सॉर्टिंग टेक्निक तीन बेसिक टेक्निक्स में से उसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट इन तीनों में से स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है मुझे भी सबसे कंफ्यूजिंग लगी थी लेकिन छोटा सा कुछ फंडा होता है वो समझ में आ जाए तो चीजें काफी आसान हो जाती है इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ते हैं इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली क्या होता है कि हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहला पार्ट होता है हमारा सॉर्टेड पार्ट और दूसरा होता है अनसॉर्टेड पार्ट अब एक एक करके हम क्या करते हैं यहां से एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसे सॉर्टेड पार्ट में उसकी सही जगह पर प्लेस कर देते हैं इस तरीके से सॉर्टेड जो हिस्सा है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है अनसॉर्टेड हिस्सा धीरे धीरे छोटा होता जाता है और एंड में पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड हो जाता है तो ये बेसिक फंडा है कि शुरुआत में एक सॉर्टेड पार्ट होता है उसके बाद एक अनसॉर्टेड पार्ट होता है इस तरीके से समझे तो अनसॉर्टेड पार्ट का छोटा सा एलिमेंट उठाया उसे सॉर्ट कर दिया आगे वाले हिस्से में जाकर प्लेस कर दिया तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से और ज्यादा इसको समझ लेते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अपना जो सॉर्टेड हिस्सा होगा उसको एक एलिमेंट का मानेंगे मान लेते हैं सेवन जो है वो सॉर्टेड पार्ट है और उसके बाद वाला जितना भी एरे है वो है अनसॉर्टेड इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे इनिशियलाइज करेंगे अब हमें सबसे पहले इस एट को सॉर्टेड पार्ट में प्लेस करना है ये सॉर्टेड पार्ट ये है अनसॉर्टेड पार्ट एट को सेवन से जब कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि जिस एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं वो क्या छोटा है जब तक वो छोटा है तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे यानी सारे एलिमेंट्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे और जहां भी वो बड़ा हो जाता है वहां जाकर उसको पटक देंगे रख देंगे जैसे एट को हमने कंपेयर किया सेवन से एट सेवन से बड़ा है तो यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले आ जाएगा सेवन फिर आ जाएगा एट और अनसॉर्टेड पार्ट में रह जाएगा थ्री वन टू अब सेकेंड लूप में क्या करेंगे सॉर्ट करेंगे थ्री को तो थ्री को पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे थ्री को कंपेयर किया एट के साथ तो क्या थ्री जो है एट से बड़ा है नहीं है तो एट को एक पीछे पुश कर देंगे यानी एट को ले आएंगे थ्री की जगह ये जगह खाली हो गई है और यहां पर है सेवन तो थ्री को कंपेयर करेंगे सेवन के साथ तो थ्री सेवन से छोटा है तो सेवन को भी एक पीछे पुश कर दिया और ये जगह खाली हो गई तो यहाँ पर फाइनली और कुछ है नहीं कंपैरिजन के लिए तो थ्री को प्लेस कर दिया तो इतना पार्ट हो गया हमारा सॉर्टेड और 1, 2 आ गए हमारे अनसॉर्टेड में तीसरा लूप रन करेंगे तीसरे लूप में सॉर्ट करेंगे वन को तो वन को कंपेयर किया आठ के साथ तो आठ तो बड़ा है इसलिए आठ को वन की जगह डाल दिया और एक जगह खाली हो गई अब वन को कंपेयर करेंगे सेवन के साथ वन सेवन से छोटा है तो यहां पर सेवन को भी एक पीछे पुश कर दिया जब तक हम जिस एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं वो छोटा रहता है तब तक जिस भी एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं उनको पीछे पीछे पुश करते रहते हैं क्यों ताकि वो एक एलिमेंट की जगह बचा सके ताकि जब भी उस एलिमेंट की प्रॉपर जगह आ जाए वहां पर एक खाली जगह है उसको प्लेस करने के लिए तो वन को कंपेयर करेंगे थ्री के साथ यहां पर दो जगह खाली है तो वन थ्री से भी छोटा है इसलिए थ्री को भी एक आगे पुश कर दिया यानी जीरो इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे कर दिया अब लास्ट में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इसलिए को आगे प्लेस कर दिया ये बन गया हमारा, और ये रह गया हमारा अब बड़ा है टू से तो आठ को जगह बनानी पड़ेगी टू के लिए तो आठ को तो एंड में प्लेस कर दिया उसके अलावा चार पोजिशन अभी खाली है अब टू को कंपेयर किया सेवन के साथ तो सात भी बड़ा है टू से सात को टू के लिए जगह बनानी पड़ेगी तो सात को भी बाद में पुश कर दिया अब टू को कंपेयर करेंगे थ्री के साथ थ्री भी बड़ा है वो किसी के लिए जगह नहीं बनाएगा तो वन यहां पर आ गया और टू आ गया हमारी सेकंड पोजीशन पर तो इस तरीके से एंड में हमारा जो फाइनल एरे निकल कर आया वो आया एक सॉर्टेड एरे जिसमें सबसे पहले आ गया वन टू थ्री सेवन एंड एट

पूरी एरे डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस क्योंकि यहां पर पहले वाले पार्ट को हमने सॉर्टेड एरे में मान लिया बाकी सारा अनसॉर्टेड एरे है तो यहां जिस एलिमेंट को जिस करंट एलिमेंट को हमें उठाना है और उसकी सही जगह पर डालना है उसको हम लिख लेते हैं वो होगा हमारा एरे ऑफ आई अब क्या करेंगे अब एक लूप रन करेंगे लूप तब तक रन करेगा एक और एलिमेंट ले लेते हैं वेरिएबल जो होगा जे और जे शुरू होगा आई माइनस वन से

कि मतलब आपके एरे जितनी लेंथ का है उससे आप एक्स्ट्रा लेंथ एक्सेस कर रहे हैं अगर इंडेक्स में माइनस वन डाल देंगे माइनस टू डाल देंगे तो वो एक्सेप्शन दे रहा होगा हमें तो जे जब तक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे एक और कंपेरिजन करेंगे हमारे करंट और हमारे जे के बीच में जब तक हमारा करंट एलिमेंट छोटा है तब तक उसके लिए जगह बनाई जाएगी यानी जब तक एरे ऑफ करंट इज लेस देन एरे ऑफ जे यहाँ पर एरे ऑफ करंट नहीं करंट आना चाहिए क्योंकि करंट एक कंप्लीट एलिमेंट है उस केस में जगह बनाई जाएगी जगह किस तरीके से बनाई जाएगी कि एरे ऑफ जे प्लस वन में हम डाल देंगे एरे ऑफ जे की वैल्यू को और जे को कर देंगे माइनस माइनस तो एक एक आगे हमारे एलिमेंट्स पुश होते जाएंगे और जगह बनती जाएगी एक एलिमेंट की और जैसे ही ये कंडीशन डिससेटिस्फाई होती है यानी हमारा जो करंट एलिमेंट है वो अपने एग्जिस्टिंग एरे ऑफ जे से बड़ा हो जाए या फिर सारे के सारे इंडेक्स से हमने कंपेयर कर लिया और जगह खाली होगी मतलब उसको शुरुआत में प्लेस करना है उस केस में प्लेसमेंट हम कर रहे होंगे इस एलिमेंट की प्लेसमेंट कैसे करेंगे एरे ऑफ जे प्लस में हम डाल देंगे अपने करंट एलिमेंट को तो इस तरीके से हमने करंट एलिमेंट को सही जगह पर प्लेस कर दिया एंड फाइनली प्रिंट करवा देंगे एरे को तो एक बार रीकैप कर लेते हैं क्या किया अपने पूरे अनसॉर्टेड एरे में हमने रन किया करंट एलिमेंट हम उठाते चले गए और सॉर्टेड पार्ट का लास्ट इंडेक्स हमने उठा लिया अब सॉर्टेड पार्ट में हम ट्रवर्स कर रहे हैं सॉर्टेड पार्ट में घूम रहे हैं जहाँ पर एक एक करके हम इस इंडेक्स जे की हेल्प से घूम रहे हैं इसको देखते हैं जब तक घूमेंगे जब तक जे ग्रेटर देन जीरो है और कंपैरिजन क्या करेंगे करंट का करेंगे जे वाले इंडेक्स की एलिमेंट से तो जब तक सॉर्टेड पार्ट में जो जे वाला पार्ट है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो वो करंट करंट से से बड़ी होंगी तब तक वो के लिए जगह बनाएंगी इस तरीके से एक एक आगे पुश होकर जगह बनाएंगी जे माइनस माइनस करते रहेंगे पर जैसे ही कंडीशन डिससेटिस्फाई होगी वैसे ही वहां पर हम एलिमेंट को पटक देंगे यानी प्लेस कर देंगे सही पोजिशन पर अब इस कोड को रन करके देखते हैं रन हमने किया तो हमारे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से सॉर्टेड तरीके से प्लेस हो गए

होने वाली है अब वो कैसे एन स्क्वायर होगी वो एक होमवर्क टास्क है जो आपको खुद से डिस्कवर करना चाहिए आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग